अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस पोएम मदर टू सन की ट्रांसलेशन भी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो है वो ए जो है वो भी इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन आपको इसका मीनिंग भी समझाते हैं। वेल सन, आई टेल यू लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर। Its head takes in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. तो बेटे मैं तुम्हें बताती हूँ, जिंदगी मेरे लिए शफाफ शीशे वाली सीढ़ी नहीं है, इसमें कील है और फांसे यानी के लकड़ी का टुकड़ा और कटे फटे तख्ते और ऐसी जगह जहाँ फर्श पर कालीन नहीं था, बेगुलाफ। बट ऑल द टाइम आईज बीन अ क्लाइमिंग ऑन रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स एंड सम टाइम गो इन द डार्क वेयर देयर आंट बीन नो लाइट। लेकिन सारा वक्त मैं ऊपर चढ़ती रही हूँ और उतार के मकाम तक पहुँचती रही हूँ, तार के मकाम जहाँ पर स्टेयर्स जो है वो एंड होती, और बाज़ औकात अंधेरे में जाती रही हूँ जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कॉज यू फाइंड इट्स अ काइंडर हार्ट। इसीलिए लड़के तुम वापस मत मुड़ना, तुम सीढ़ियों पर मत बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें ये काम मुश्किल मालूम होता है। Don't you fall now, for I still going honey, I still climbing and life for me and been no crystal stair. अब गिरना मत, क्योंकि मैं अब भी चढ़ रही हूँ प्यारे, मैं अब भी ऊपर चढ़ रही हूँ, जिंदगी मेरे लिए शफाफ शीशे वाली सीढ़ी नहीं है। तो ये था इसका लाइन से जो है ट्रांसलेशन, वो हमने की है। अब इसकी मीनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। क्रिस्टल स्टेयर मीन शफाफ शीशे वाली सीढ़ी, टेक मीन कील, स्प्लिंटर्स मीन लकड़ी का टुकड़ा, बोर्ड मीन तख्ते, बेयर मीन बेगुलाफ, क्लाइम मीन ऊपर चढ़ना, लैंडिंग्स उतरने की जगह, सेट डाउन बैठ जाना, काइंडर मेहरबान, हनी प्यारे। इसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड टू होम आर द वर्ड एड्रेस्ड। इसका आंसर है, अ मदर इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड हर वर्ड्स एंड एड्रेस टू हर सन। बी है, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद। द मदर कंपेयर हर लाइफ विद द फ्लाइट ऑफ गॉन डाउन डिमली लिंट स्टेयर्स। See here, what does the speaker encounter on the stairs? The speaker encounters stacks, splinters, holes, bare board and patches of darkness on the stairs. D here, even though there have been obstacles in the way, what has the speaker done to continue her journey? She has kept climbing up. Which three pieces of advice does the speaker give the boy? Don't turn back. Don't sit down, don't fall down. These are the three pieces of advice given to the boy. Which sentences are repeated in the poem? Life for me aren't be no crystal stair. This sentence are repeated in the poem. Which line is the shortest? Why do you think the poet made this line so short? Where is the shortest line? I think the poet made this line so short to tell us the difficulty of life. सो ये थी इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने किए हैं एक्सरसाइज ए का पार्ट वन। आज तक की ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।